लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि हम लोग देखो, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कुछ ना कुछ प्रोसेसेस चालू रहते हैं, मतलब ब्रीथ करते हैं, खाना खाते हैं, हिलते हैं, इधर उधर घूमते हैं. ओके, इवन ट्रीज विच आर नॉट मूविंग, फिर भी उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोसेस चालू रहता है. ओके, सो अगर समझो हम लोग सो भी रहे हैं तो सोते समय भी हमारे हार्ट बीट्स चालू रहते हैं, ब्रीदिंग चालू रहता है, इंटरनली डाइजेशन शुरू रहता है ना. सो बेसिक वो प्रोसेसेस, ऐसे बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसकी वजह से वो लाइफ मेंटेन हो. हार्ट बंद हो जाएगा तो लाइफ बंद होगा कि नहीं? ब्रीदिंग बंद हो जाएगा, लंग्स काम करना बंद होंगे. ब्रीदिंग इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, हमें सोचना पड़ता है ब्रीदिंग करने के लिए? नहीं. खाना खाते, एक बार खा लेते हैं फिर हमें सोचना पड़ता है कि उसकी अभी डाइजेशन हम लोग चलो करेंगे, ऐसा नहीं ना सोचना पड़ता है, वो इंटरनली होता रहता है. फिर वो उस खाने का क्या होता है हम लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब सोचते भी नहीं उसके बारे में, है ना. तो आगे उसका अंदर बॉडी क्या प्रोसेसिंग करती है, वी आर नॉट इवन कंसर्न, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड. ओके, कि जो भी अंदर क्या केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं, कि क्या हो रहा है, हम लोग को कुछ पता नहीं है. बॉडी अपने आप कर रही है, और वो कर रही है बॉडी अपने आप, इसीलिए हम लोग जिंदा है. अगर वो करना, डाइजेशन प्रोसेस बंद हो जाएगा तो न्यूट्रिशन मिलेगा क्या सारे सेल्स को? नहीं मिलेगा. धीरे धीरे करके सेल्स डाई करने लगेंगे, ग्रोथ नहीं होगा सेल्स का, है ना, नया रिप्रोडक्शन नहीं होगा सेल्स का. क्योंकि हम हमारे बॉडी में ऐसे बोलते हैं कि हर एक सेल इट डाइज विद इन लाइक इट हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 3 months और सो. पर तो नॉट ऑल सेल्स डाई टुगेदर, लेकिन एक सेल, दूसरा सेल, कुछ सेल अलग अलग टेम्परेचर पे 3-3 महीने में खत्म होते हैं, उनकी जगह नए सेल्स लेते हैं. अगर वो प्रोसेस बंद हो जाएगा तो थिंक व्हाट विल हैपन. तो ये जो सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, तो तुम लोग इसका डेफिनेशन लिखोगे. चलो, हेल्प करें द प्रोसेसेस विच टुगेदर हेल्प टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. इतना सिंपली लिखना है, द प्रोसेसेस विच टुगेदर हेल्प टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. Because हमने the life processes are nutrition, respiration, circulation, circulation को transportation भी बोल सकते हैं, हाँ, excretion. हाँ, ये चार प्रोसेसेस है जो बॉडी को मेंटेन करते, लाइफ मेंटेन करते. ओके, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है बेसिकली फूड लेना, लेकिन फूड में से क्या मिलता है, क्या मिलता है फूड में से? हमें एनर्जी मिलती है, और उस वही एनर्जी हम लोग यूटिलाइज करते हैं सब कुछ का, सारे काम चलाने के लिए. सो एक्वायरिंग ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है एक्वायरिंग एनर्जी फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम फूड. अभी ये फूड में से एनर्जी मिलती है, मतलब बेसिकली क्या होता है, फूड जो भी बाहर के आउटसाइड फूड जो होता है वो लेते हैं हम लोग, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं. वो कॉम्प्लेक्स होता है फूड, जो भी होता है फूड में अलग अलग कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में बॉडी ब्रेक डाउन करती है, मतलब डाइजेशन करती है बॉडी उनका. ओके, एंड और फिर उसमें से जो और ये जो प्रोसेसेस होते हैं डाइजेशन के, वो होते हैं बेसिकली कुछ केमिकल प्रोसेसेस होते हैं अंदर, उसकी वजह से वो ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उन सिंपलर सब्सटेंसेस से फिर हर एक सेल को वो सब्सटेंसेस जाते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस, एंड वहाँ पे एट ईच एंड एवरी सेल अगेन देर इज अ प्रोसेस थ्रू विच दैट एनर्जी इज एक्वायर्ड फ्रॉम दोज सब्सटेंसेस. ओके, तो ये सारा प्रोसेस न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन में मिलके ये सारा प्रोसेस हो जाता है. ओके, सो एक्वायरिंग एनर्जी फ्रॉम फूड breaking down complex food molecules
इनटू सिंपलर सिंपलर सब्सटेंसेस और सिंपलर वंस थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजी के अंदर भी केमिस्ट्री आ रहा है, केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस होने वाले हैं हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग देखेंगे, वापस केमिस्ट्री आएगा घूम फिर के। रेस्पिरेशन का मतलब कौन बताएगा मुझे? ब्रीदिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग अभी जो तुम बोल रहे थे ना, वो इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रीदिंग। लेकिन ब्रीदिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट क्या है? रेस्पिरेशन में हम लोग ब्रीथ करते हैं तब हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। और उस ऑक्सीजन का मेन काम क्या होता है बेटा? हर एक सेल में वो ऑक्सीजन पहुंचता है और वहां पे ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस है ना, उनको फर्दर ब्रेक डाउन करता है। अब ये सिंपलर सब्सटेंसेस का क्या होता है बेटा? एवरीथिंग अल्टीमेटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ओके, और वो ग्लूकोज सेल, हर एक सेल में ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेक डाउन होगा। ओके, और उसमें से एनर्जी जनरेट होगी। ओके, एक्वायरिंग ऑक्सीजन फॉर ब्रेकडाउन ऑफ फूड sources and energy generation at cellular level. Cellular level is a important part. कौन से लेवल पे ये सारी एक्टिविटी चलती है? हर एक सेल में, ईच एंड एवरी सेल विल कैरी आउट दिस एक्टिविटी। फिर सर्क्यूलेशन या ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब होता है? क्या ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं? बॉडी क्या ट्रांसपोर्ट करती है? हाँ, बॉडी में बेसिकली हम लोग देखो, हर एक सेल में क्या पहुंचना चाहिए? जो हम लोग ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन पहुंचेगा। हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने की जरूरत पड़ती है। एंड जो हम लोग खाना खाते हैं और वो जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, दैट ग्लूकोज शुड ऑल्सो रीच द ईच एंड एवरी सेल। तभी जाके उस सेल के अंदर एनर्जी जनरेशन होगा हर एक सेल में। सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। हाँ, वेस्ट मटेरियल्स भी बाहर निकाल देते हैं, बट वो एक्सक्रीशन की हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन from one place to another in the body. Excretion क्या होता है और वो क्यों जरूरी है? Why do we take this under life processes? Life maintain करने के लिए excretion की क्यों जरूरत है? Excretion नहीं होगा तो क्या होगा और life खतरे में क्यों आएगा? Excretion में जी बीच हाँ, रिमूवल ऑफ वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्टूल्स एंड वॉटर्स। पसीना आता है ना हमें, स्वेट है ना, तो इस सारे में से हम लोग क्या करते हैं? साथ पे अटेंशन, चौपानों को गढ़ो। हाँ, तो क्या मनन चिंतन जल होगा, पे अटेंशन हो रही। ओके, नहीं तो तुला इथे पुढे बसवणार आहे मी। तिथे बसून मस्त भिंतीला टेकून तू झोपतोय? नाही, सो पे अटेंशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट। कौन से वेस्ट से? यूरिन, स्वेट एंड स्टूल्स। ओके, और वो अगर नहीं हुआ है तो क्या प्रॉब्लम होता है? अगर वो बेसिकली पॉइजनस सब्सटेंसेस तैयार होंगे, एंड दिस इज नॉट द ओनली दिस थिंग, स्टूल्स भी टाइम पे पास होना चाहिए। यूरिन होता है, यूरिन के अंदर यूरिया या यूरिक एसिड होता है, विच इज बेसिकली हार्मफुल। इट इज नॉट जस्ट
a waste product, but it is a harmful waste product. It harms. It's like a poison to the body. और वो निकलना जरूरी होता है, okay? So it is very stone भी होता है। हाँ। तो वो stone होगा तो in fact क्या होगा? Kidney का functioning ठीक से नहीं होगा। हाँ, urine के passage में blocks हो जाते हैं। फिर हाँ। laser बन जाती है। हाँ। या कभी-कभी वो stones तो छोटी सी बात है, कभी-कभी kidney fail हो जाती है। हाँ। Kidney fail मतलब it does not do its work। अभी हम लोग excretion में हम लोग देखेंगे। कि मतलब किडनी का फंक्शनिंग हम लोग एक्सक्रीशन के अंदर देखेंगे तब वो डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें कि मतलब किडनी का एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है कैसा होता है ठीक है वो सारा हम लोग देखेंगे ठीक है सो ये चार प्रोसेस समझना है सो एक्सक्रीशन के बाद में ऐसे सेम पॉइंट लिखो तुम लोग इसके नीचे लिखोगे क्या लिखोगे इधर लिख के दिखा रही हूं लोगों को रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स रिमूवल of toxic waste byproducts of the chemical reactions within the body. ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप के होते हैं ना अमीबा या कुछ सिंपल बैक्टीरिया होते हैं जिसमें सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं उसमें सारे प्रोसेसेस मतलब ऑक्सीजन लेना या व्हाटएवर या बाहर जो गैसेस का एक्सचेंज सब एक ही सेल में इन एंड आउट होता है फूड उसी में लेते हैं उसी से एक्सक्रीशन होता है लेकिन मल्टी सेलुलर में इस सारे के लिए अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स होते हैं इस सारे के लिए ओके तो तुम्हारे बुक में अभी एक क्वेश्चन है देखो तुम्हारे 95 पेज पे देखो Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? देखो हमारे multicellular organisms में क्या है हमारा suppose हमारा skin है skin के अंदर muscles होते हैं okay उसके अंदर body की cavity रहती है उसके अंदर सारे organs होते हैं ना अलग अलग organs होते हैं हर एक organ में अपने अपने cells होंगे individual cells होंगे तो स्किन में ऊपर ही लेयर है उसके अंदर के टिश्यूज है मसल्स है उसके लेयर्स है मतलब उसमें सेल्स है तो सारे जो सेल्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है क्या बाकी के सराउंडिंग्स के नो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम तो जहाँ पे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ एक ही सेल है ओके या मल्टी सेल्युलर लेकिन सिंपलर है तो सारे एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होते हैं जैसे प्लांट्स में है प्लांट्स में वो वैस्कुलर टिश्यू वगैरह होते हैं तुमने पढ़ा था ना तो सारे क्या होते हैं एक दूसरे को के कांटेक्ट में होते हैं तो डिफ्यूजन वगैरह आराम से यहाँ से रूट्स में लिया सपोज ये रूट्स है रूट्स से इसमें ले लिया इससे नेक्स्ट सेल में भेजा इसमें नेक्स्ट सेल में भेजा ऐसे करके पर हो सकता है पर हमारे बॉडी में ऐसा कुछ होता हो सकता है कि सिस्टम नहीं ओके तो इसके लिए सो इसीलिए हम लोगों को डिफ्यूजन प्रोसेस मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के लिए यूजलेस है तो लिखोगे कैसे इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ऑल सेल्स मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट विद द surrounding environment hence simple diffusion is insufficient meet the oxygen requirements. Oxygen diffusion के through हमारे सारे cells तक पहुंचेगा ही नहीं, okay? What criteria do we use to decide whether something is alive or not? The criteria we use to decide
whether something is alive is whether the life processes are going on. काम करो लाइफ प्रोसेसेस के बाद ब्रैकेट खोलो. लाइफ प्रोसेसेस यहां से ब्रैकेट डालो. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर मेंटेनेंस of life are going on. Third wala dekho, what are outside raw materials used by an organism? Used for by an organism. Jaise food kya puri hai sam kya to nahi hone dete. Outside raw materials are used as food for acquiring energy by an organism. Okay, तो ये materials क्या होते हैं? These contain carbon. They are basically organic substances. All living organisms are organic substances. अभी organic का मतलब क्या है और inorganic का मतलब क्या है? For example, अगर मिट्टी, non-living things, okay? So soil, rocks, even water or other different gases in the air, okay? They are all inorganic substances. और organic substances क्या है? जिसमें से हमें basically energy मिलती है. और we are all made up of organic. तो organic में क्या होता है? Organic substances contain carbon, hydrogen and oxygen. ये भी एक पॉइंट लिखो. Organic substances contain carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है. हमारी बॉडी जब सब कुछ ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है क्या होता है? C6H12O6. क्या है इसमें? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. तीनों चीजें जिसमें है वो सब्सटेंस ऑर्गेनिक है. ओके, सारी चीजें उसमें होनी चाहिए. हाँ, सपोज हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस. कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, ऑक्सीजन, लेकिन हाइड्रोजन है क्या? नहीं है. वॉटर इज नेसेसरी फॉर अस, नो डाउट. लेकिन इट इज नॉट ऑर्गेनिक. क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है लेकिन कार्बन नहीं है. समझ में आ रहा है ये चीज? ओके, तो ये इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक. दिस इज ग्लूकोज. ग्लूकोज का और एक नाम है, पता है क्या है? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, द नेम इटसेल्फ विल टेल यू. कार्बो से क्या पता चलता है? इसमें, इसके अंदर क्या है? कार्बन है. हाइड्रेट क्या है? हाइड्रेशन. टू हाइड्रेट मीन्स टू वाटर. डिहाइड्रेशन होता है. डिहाइड्रेशन मतलब पानी चला जाता है हमारे शरीर में से, है ना? तो हाइड्रेशन मीन्स giving of water, dehydration means losing water. Okay, hydration means gaining water. So hydrate यहाँ पे क्या है? पानी है. अभी carbon, hydrogen, oxygen क्या है basically? It's organic substance. Glucose, ये तो glucose है. Last question क्या है इसके अंदर? What processes would you consider essential for maintaining life? कौन से processes अभी हमने discuss किए थे? चार. कौन से चार? Nutrition, scientific nutrition, बात है. Expiration, nutrition, respiration, transportation
एंड एक्सक्रीशन, चार प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन के जो टाइप्स है ये तुम लोगों ने अब तक बहुत बार पढ़े, तो अभी मुझे तुमसे आंसर चाहिए। ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, इसका मतलब बताओ। कितने बार बचपन से पढ़ के आया ना अब तक, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक इसका मतलब क्या पता है? व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहले ही, एंड पुअर, हां सॉरी, खुद बनाते, वेरी गुड। जो खाना खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। अपना खाना खुद बनाना, अपना खाना मतलब ऐसा नहीं कि दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, पर हम लोग भी फूड प्रिपेयर करते हैं ना, तो हम लोग ऑटोट्रॉफिक है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर फूड तैयार होता है क्या? नहीं, वी एक्वायर फूड फ्रॉम आवर आउटसाइड, है ना। बॉडी के अंदर फूड प्रिपेयर होना ऑटोट्रॉफिक, ओके, वी आर हेटरोट्रॉफिक, ओके। सो ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, लेकिन ओन फूड मतलब क्या जादू से होगा क्या ये प्रिपेयर? नहीं, उसमें कुछ तो इनपुट्स चाहिए ना, कुछ तो इनपुट, क्या इनपुट चाहिए उनको प्लांट्स को? वाटर चाहिए और क्या चाहिए? कार्बन, मेन दो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस इन एडिशन नाइट्रोजन होता है और कुछ कुछ होते हैं चीजें, है ना, फॉस्फेट्स होते हैं, वो सारी चीजें भी जरूरत होती है, लेकिन मेन फ्रॉम देयर ओन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वापस ये वर्ड आ गए, इनऑर्गेनिक, ठीक है, वापस वाला वर्ड आ गया इनऑर्गेनिक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी इनऑर्गेनिक है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन फूड अपने आप तैयार होगा क्या? हम लोग जब फूड प्रिपेयर करते हैं हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? गैस की जरूरत, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो वो एनर्जी प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? फ्रूट्स, तो हम लोग प्लांट्स से लेके हम लोग एक्वायर करते हैं एनर्जी फ्रूट्स में से, बट प्लांट्स एक्वायर देयर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये फूड बनाने का काम उनका होता है, ओके। और इसी सनलाइट, लाइट में से एनर्जी मिलती है, लाइट से वो वर्ड फोटोसिंथेसिस आया। फोटो क्यों बोलते हैं? लाइट में फोटो खींचते ऐसा है क्या वो? नहीं, फोटो मतलब क्यों? लाइट के अंदर देखा, लाइट इज नथिंग बट पैक, इट ट्रेवल्स इन पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स, ओके। वो जो फोटोन वर्ड है उसमें से फोटो वर्ड आ गया फोटोसिंथेसिस, एंड सिंथेसिस मीन्स क्रिएशन ऑफ फूड, कंबाइनिंग ऑफ ऑल दोस थिंग्स, या रिएक्शन करके सिंथेसाइज करना, मतलब बनाना। लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फूड इज प्रिपेयर, ओके। सो इसके लिए प्रोसेस कौन सा यूज होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखो, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच इसको ब्रैकेट में लिखो, सिंथेसाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of sunlight, okay, in the process of sunlight, in the presence of sunlight, ये जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस,
वो एक ही स्टेज में नहीं होता है, मतलब लाइट आया, यहाँ से पानी खींचा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और एकदम से झट से फूल बन गया, ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप्स. ओके, मिनिमम थ्री स्टेजेस होते हैं इसके. ओके, वो तीन क्या स्टेजेस होते हैं वो देखेंगे. अच्छा, इसके बाद हम लोग इसका थोड़ा सा देखेंगे, फिर वो फोटोसिंथेसिस का डेप्थ में जाएंगे हम लोग. ठीक है, अभी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तीन टाइप्स हैं. ओके, सेप्रोफाइटिक, ओके, फिर पैरासाइटिक और होलोजोइक. अभी ये होलोजोइक वर्ड ना तुम्हारे बुक में दिया नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड, होलोजोइक. तुमने सुना है ये वर्ड पहले अर्लियर क्लासेस में? ओके, मैं मीनिंग बताते हैं बताऊंगी. सो सेप्रोफाइटिक तुमने सुना है, पैरासाइटिक भी पता है. सेप्रोफाइट्स मतलब क्या है, कौन बताएगा सेप्रोफाइट्स? सेप्रोफाइटिक में बेसिकली न्यूट्रिशन इज acquired from dead and decaying organic matter. Again ये word क्या आया है यहाँ पे? Organic matter, that matter should be organic. Okay, यहाँ से basically क्या होता है, किस तरीके से होता है यहाँ पे? Organic dead and decaying organic matter जो है, हाँ, उसका ब्रेकडाउन होता है एंड दैट ब्रेकडाउन इज डन आउटसाइड द बॉडी ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ओके, और फिर वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेकडाउन करके फिर वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, सो ब्रेकडाउन हैपेंस आउटसाइड द बॉडी and then the simpler substances are absorbed. इसके examples कौन से हैं? fungi like bread molds, फिर there are yeasts, okay, and mushrooms. Parasitic nutrition क्या होता है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है विदाउट किलिंग दैट ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल बोलो. हाँ, हमारे अंदर भी तो वर्म्स रहते हैं ना बॉडी के अंदर. वो क्या करते हैं? देयर आर टेपवर्म्स, राउंड वर्म्स which live inside our body and suck our blood and take our nutrition, you know. Then there is a Cascuta amarbel, which is a creeper which lives on trees and it absorbs the nutrients from the trees, but it doesn't kill the tree. Okay, leeches, very good. Leech kya karti hai? Blood suck karti hai. Ticks hote hai, dekho. Ticks pata hai, jab ghas wagare bahut ugti hai na, uske upar ticks hote hai. और वो ऐसे पकड़ के रखते हैं एंड वो अपना ब्लड सक करके ना, इवन एनिमल्स के ऊपर तो इजी, क्योंकि एनिमल्स जैसे कुत्तों के ऊपर, बिल्लियों के ऊपर टिक्स आ जाते हैं. हम लोग भी अगर बड़े बड़े घास में गए ना, हमारे ऊपर भी आ जाएंगे. हाँ, मॉस्किटो इज अनदर एग्जांपल. क्यों? मॉस्किटो सक आवर ब्लड. हाँ, फ्लाइज नहीं है, फ्लाइज लिविंग ऑर्गेनिज्म से चाहिए. ओके, so mosquito is a good example, then leeches is another example, फिर crow. crow कैसे मरा हुआ खाता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ टीचर, तो crow क्या करता है? crow क्या करता है by the way? वो symbiotic relationship तुमने पढ़ा था, भैंस के ऊपर या cows के ऊपर वो बैठता है और उनके ticks वो खाता है उनके ऊपर के, तो it is killing the ticks, right?
वो एंडोट्रॉपिक पे इसमें इसके अंदर चला जाएगा हाँ होलोजॉइक के अंदर ओके सो पैरासाइटिक में क्या ऑर्गेनिज्म टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अनादर विदाउट किलिंग इट Example, अस्मिता मतलब अमर बेल दिस इज अ क्रीपर ओके देन लीचेस इवन लाइस जो होती है हेड लाइस होती है वो भी होती है और क्या देखा था हमने मॉस्किटोज है ना देन व्हाट एल्स कॉकरोच कॉकरोच कैसे होगा कॉकरोच का लिविंग ऑर्गेनिज्म को चूस चूस के ब्लड निकाल जाएगा उसका नहीं और क्या देखा था हमने और एक कुछ तो बोला था ना किसी ने ये इतने बताए थे अच्छा मैंने बताया था ना बॉम्स बॉम्स टेक बॉम्स ठीक है टेक बॉम्स है राउंड बॉम्स है Which live inside the body, है ना? The process of injection, proper definition ये बुक में नहीं है तुम्हारे injection, comma digestion absorption and assimilation इंजेक्शन मतलब टेकिंग इन ऑफ फूड डाइजेशन मतलब उसको ब्रेक डाउन करना हाँ एब्जॉर्प्शन मतलब वो एब्जॉर्ब करना ब्लड ब्लड में और सेलुलर लेवल पे एब्जॉर्ब करना और वहाँ पे उसका उससे एनर्जी जनरेशन होना इस सारे प्रोसेस ये सारे स्टेप्स में काम होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन ठीक है और इसके एग्जाम्पल्स ऑफकोर्स हम लोग ह्यूमंस हाँ एनिमल्स एनिमल्स लाइक कुछ भी देखो कुत्ते बिल्लियां जो भी है टाइगर कौवा हाँ कौवा भी एनिमल्स एंड बर्ड्स देखो लाइक व्हाट डॉग्स कैट्स टाइगर्स क्रोज कुछ भी देखो जितना याद आता है उतना देखो अभी हम लोग जब न्यूट्रिशन देख रहे हैं तो हम लोगों के कुछ एक हम लोग अमीबा में देखेंगे कि फूड एक्वायर कैसे होता है ठीक है फिर देखेंगे कि वो पैरामेशियम जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में कैसे एक्वायर होता है फूड ओके बहुत डिटेल में नहीं है जाना हम लोग उसमें प्लांट्स का न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस और फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स वो बड़ा लंबा चौड़ा है वो हम लोग कल देखेंगे अमीबा एक्वायर्स फूड कैसे एक्वायर करता है फूड किसको याद है अमीबा कैसे एक्वायर करता है फूड अमीबा कैसे दिखता है कुछ शेप होता है उसको फिक्स शेप होता है नहीं कुछ भी
मतलब इसका ऐसा कुछ शेप नहीं है, आड़ा टेढ़ा तिरछा कुछ भी, कैसे भी है, कैसे भी बनाओ कर दो अमीबा बन जाएगा. उसमें न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, लेकिन फूड वैक्यूल्स, हाँ फूड वैक्यूल्स होते हैं. ओके, फूड वैक्यूल होता है. फूड वैक्यूल फूड कैसे लेते हैं, फूड वैक्यूल में फूड आता कैसे, हाँ स्यूडोपोडिया एक्वायर्स फूड यूजिंग क्या, ध्यान दो इधर, स्यूडोपोडिया. ओके, दिस वर्ड स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट. ये तुम लोग ने बचपन में कितना पढ़ा है ना, सेवन स्टैंडर्ड में तो पढ़ा है ना, उसकी बात भी पढ़ते रहे होंगे. स्यूडो मीन्स फॉल्स, दिस मीन्स फीट. फॉल्स फीट का मतलब क्या है, देयर आर टेम्पररी. तुम्हारे बुक में क्या दिया है, टेम्पररी. जब फूड दिखेगा तभी वो अपना शेप अरेंज करता है, खुद को अरेंज करता है कि फीट लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तैयार होगी. फॉर एग्जाम्पल इधर फूड पार्टिकल है, उसको दिखता है कुछ, तो वो क्या करेगा, इट विल अरेंज इटसेल्फ लाइक दिस और उसको पूरा जाके एनवेलप करेगा. इसके अंदर ये ऐसे एनवेलप करेगा, ये बंद करेगा उसको अंदर, अपने अंदर, और ये यहाँ पे फिर वैक्यूल तैयार हो जाएगा और फिर वो वैक्यूल यहाँ पे डाइजेशन चालू हो जाएगा और वो वैक्यूल इधर आके बेसिकली उसमें से सारा सब्सटेंसेस पूरे सेल में चला जाएगा. ओके, एंड फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी कैसे करेगा, समझो यहाँ से एक्वायर किया, डाइजेशन हुआ, तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको भी कैसे करता है, वो चला जाता है धीरे धीरे करके इस सरफेस की तरफ आके बाहर चला जाएगा. मतलब जैसे अंदर गया था वैसे बाहर छोड़ेगा उसको. ओके फाइन, सो टेम्पररी स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया दैट इज टेम्पररी यहाँ से इधर कंटिन्यू करो. फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, ठीक है, the undigested food is moved to the surface of the cell. Undigested food is moved to the surface and thrown out. ठीक है, फिर पैरामेशन तो हमें दिया नहीं है, पर पैरामेशियम तुमने किसको याद है, कैसे दिखता है पैरामेशियम, समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ तो दिखता है. ओके, और इसको छोटे 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 क्या रहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, किसको याद है, नहीं है तो जब से कोई तो बुक में देख के बताएगा मुझे, है ना, लाइक सिलिया, हाँ सिलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिलिया, सिलिया से वो मूवमेंट करता है. ओके, एंड इट विल मूवमेंट करके यहाँ पे एक, इट हैज अ पर्टिकुलर यहाँ पे माउथ जैसे कैविटी होती है, वहां पे वो अंदर लाके उसको अंदर खींच लेता है. ओके, यहाँ पे ओरल ग्रूव रहेगा, कैविटी रहेगी, बेसिकली हम लोग को क्या बोलना है यहाँ पे, इट हैज हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया. ओके, एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये अपना स्ट्रक्चर बना लेता है, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है. ओके, सो पैरामीशन में क्या हो रहा है, it has a definite spot to take in food.
ये कौन सा यहाँ पे ये स्पॉट है विच टेक्स इन फूड, इसको क्या बोलते हैं, ओरल ग्रूव बोलते हैं. ओके अभी ये मैं तुम लोगों को आउट ऑफ क्वेश्चन जाके तुम्हें बता दूँ सो दैट तुम्हें समझ में आए. ओके जिसको नहीं चाहिए तुम लोग मुझे बताओ कि मत बताओ एक्स्ट्रा डिटेल. हाँ जिस किसी को बोर हो रहा है उसको मैं एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा. बोलो हु वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड मोर. पक्का ना? तो कितना टाइम बचा है वो सब तुम लोग का. यू आर नॉट कंसर्न कि मैं जितना टाइम मुझे लगेगा मैं बताऊंगा. सर इट इज अ डेफिनेट स्पॉट टू टेक इन फूड. ओके और किस तरीके से होता है फूड इज मोल्ड to this spot by hair-like structure called cilia. इतना भी ये अमीबा और पैरामेशिया हमने जो देखा है वो दोनों भी क्या है बेसिकली देर ऑल देर वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. So this is basically nutrition in single celled organisms. The multicellular may be simpler organism is plant. It is multicellular. Lekin simpler hai. Photosynthesis kitne stages mein hota hai? 3 stages mein hota hai. Okay? 3 stages kaun sa hai? First stage is acquiring of yeah and absorption of light energy. Radiation. Nahi nahi. Sunlight. Kiski baat kar rahe hain hum log? Photosynthesis ki. Making of own food. Huh? तो फोटोसिंथेसिस की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है 3 स्टेजेस में हो रहा है. फर्स्ट स्टेज में लाइट अब्सॉर्ब हो रहा है, लाइट मतलब लाइट की एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है. दूसरे स्टेज में क्या हो रहा है कि पानी का उसके अंदर हम पानी लेते हैं ना, प्लांट पानी लेता है, उस पानी को ब्रेक डाउन करता है वो. ओके उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट आउट हो जाता है. ओके और तीसरे स्टेज में जो हाइड्रोजन सेपरेट आउट हुआ है वो मिक्सअप होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और तैयार होता है ग्लूकोज. और जो बचता है ऑक्सीजन वो इट इज अ बाय प्रोडक्ट एंड इट इज गिवन आउट. इसीलिए प्लांट्स बोलते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ओके सो फर्स्ट स्टेज क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. लाइट मतलब लाइट एनर्जी है ना. ये एब्जॉर्प्शन किधर होता है, कहाँ पे, व्हाट पार्ट ऑफ प्लांट्स टेक इन एंड स्टोर लाइट. ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, लीफ में होता है, क्लोरोफिल. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन क्लोरोफिल इनसाइड अ सेल कॉल्ड, क्या बोलते हैं सेल को, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. ओके मतलब लाइट आ गया स्टोर हो गया, इट्स लाइक अ बैटरी. क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग बट लाइक अ बैटरी जिसके अंदर वो क्लोरोफिल नाम का केमिकल है और वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखता है. ओके फिर वो एनर्जी किस में काम आएगी, ब्रेक डाउन ऑफ water into hydrogen and oxygen. हमने breakdown of water into hydrogen and oxygen हमने देखा था ना, क्या देखा था, एक process देखा था, कौन से lesson में देखा था और क्या था वो electrolysis का process था, याद है कौन सा process था वो जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं पानी में और क्या होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट आउट करते हैं, बेसिकली डीकम्पोज करते हैं उसको, है ना, डीकम्पोज करते हैं, याद है. देखो तुम्हारे पीछे जाके देखो, चलो याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कि इसमें so light in
So breakdown of water into hydrogen and oxygen, like in electrolysis of water, but here the energy is in the form of light instead of electricity. ये समझ में आई बात? ठीक है? So basically क्या हो रहा है यहाँ पे? H2O is breaking up into H2 plus O2, है ना? अभी इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे तुम लोग? हाँ बोलो. लेकिन यहाँ पे क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब सनलाइट, है ना? सनलाइट के प्रेजेंस में ये हो रहा है. ये कौन करते हैं? क्लोरोफिल. ओके, फिर तीसरा स्टेज क्या है? तुम्हें बुक में क्या दिया है? रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 गैस है. बेसिकली वो रिएक्शन क्या है? CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कंप्लीट रिएक्शन ऐसा है. ओके, इट टेक्स पार्ट इन स्टेजेस. दिस इज अ लाइट एब्जॉर्ब होता है फर्स्ट स्टेज, इसका बॉन्ड ब्रेक होता है और वाटर सेपरेट आउट होता है हाइड्रोजन और इसमें. That is the second stage. और final stage में basically क्या हो रहा है कि it forms C6H12O6 और oxygen gas is liberated. अभी ये जो है वो balanced reaction नहीं है. और reduction क्यों बोलते हैं? क्यों बोल रहे हैं वो reduction? What is a reduction reaction? तुम दोनों ने सीखा नहीं है वो अब तक. लेकिन reduction बाकी सबको याद आना चाहिए ideally. What is a reduction reaction? कौन बोलेगा? विराज पीछे ढूंढ रहा है. रिडक्शन में क्या होता है? या तो ऑक्सीजन लूज करता है कोई भी सब्सटेंस या हाइड्रोजन गेन करता है. यहाँ पे क्या हो रहा है? इनका इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन जाके इसके साथ मिल गया, मतलब CO2 इज गेनिंग हाइड्रोजन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. यहाँ पे हाइड्रोजन इज बीइंग गेन्ड बाय व्हाट? बाय कार्बन डाइऑक्साइड और बन रहा है C6H12O6. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बेसिकली. ओके, सो दिस इज ग्लूकोज. ओके, अब ये बैलेंस्ड रिएक्शन नहीं है. CO2 यहाँ पे एक से है, यहाँ पे कितना है? सिक्स. तो इसको क्या करना पड़ेगा? 6CO2. हाँ, अभी 6CO2 में 6 एंड ये कितना हो गया? अभी H2O12 है तो यहाँ पे कितना डालना पड़ेगा? 6. ओके, अभी देखो O कितना हो गया? देखो CO2 C एंड 6 एंड 2 इज 12 प्लस 6 22 का सर ऐड 24. अरे 6 ओ ऑक्सीजन है देखा ना. सो 6 इनटू 1 इज 6, 12 एंड 6 इज 18, है ना? और यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे 6 एंड 12. तो इसको हम लोग करेंगे, इसको 12 करेंगे, 6 2 जा 12 करेंगे, 12 एंड 6 18 अभी हो रहा है. सो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन फॉर ऑफ फोटोसिंथेसिस. दिस रिएक्शन इज द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन. ओके, लिख डालो. चलो यहाँ तक आज रुकते हैं हम लोग. एक छोटा सा पार्ट फिर भी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का रह गया है, जो तुम्हारा डायग्राम है ना, लीव्स वाला डायग्राम है, देखो तो वो हम लोग कल देखेंगे.